वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब से टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसा आपने इनिशियल प्रोग्राम में इनिशियल पार्ट में इसका जिक्र किया था कि पाकिस्तान में जो कॉटन की प्राइसेस लास्ट ईयर थी वो तकरीबन 12-12.5 हज़ार थी और आज वो आ गई हैं तकरीबन 5.5 हज़ार रुपये पर। तो इससे हमारे लोकल सेक्टर जो लोकल हमारी वो एक वो है सेल्स उस पर क्या फ़र्क पड़ा, इससे एक आम आदमी को क्या उसका इम्पैक्ट हुआ? देखिए सबसे पहली बात है कि लाखों हमारे पास पावर लूम्स हैं फैसलाबाद में, ठीक। वो 5 बोरे 10 बोरे यान का खरीदते हैं, ठीक है। उन लूमों को जिसको खड्डी का कपड़ा जिसको आप कहते हैं बनाते हैं, ग्रे फैब्रिक ज़्यादातर फैसलाबाद में बनाते हैं और बेचते हैं। जब 13,000 रुपये पर पहुँच गई थी कॉटन, तो जो 10 बैग खरीदता था डेली कॉटन के, कॉटन यान के, जी, वो 3.5 या 4 बैग पे आ गया था। बिल्कुल सही है। तो उसकी प्रोडक्शन भी कम, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कम, वो जो बनाता था उसमें उसका अगर मुनाफा पहले 100 होता था तो उन दिनों में जब प्राइस बढ़ गई थी वो 10 से 20 रुपये होता था। जी आज अल्लाह का करम है कि उसकी फिर दोबारा वही 10 बैग या 12 बैग की जो इस्तेआत थी उस पर आ गया है और अब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। तो ये छोटी लूम्स वालों को जिनको पावर लूम्स कहते हैं, जी जी, एक तो ये फ़ायदा पहुँचा है। जी दूसरे ये है कि लोकल मार्केट में भी प्राइसेस बढ़ गई थी, क्योंकि जब कपड़े की कीमत बढ़ेगी तो एंड प्रोडक्ट की भी कीमत बढ़ेगी और इंटरनेशनल मार्केट में शेल्फ क्वांटिटी कम कर दी थी। यानी जब $4 पर मीटर फैब्रिक हो गया और उसका बना हुआ कपड़ा जो पहले 7 या 6 डॉलर की जीन्स जाती थी वो हो गया $12 की, तो उन्होंने कम क्वांटिटी लेनी शुरू कर दी थी। आज वो क्वांटिटी भी बढ़ गई है, शेल्फ के ऊपर इन्वेंट्री उनकी बढ़ गई है, तो वो हमसे अब ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि कीमत आधी हो गई। तो इसका फ़ायदा सबको है क्योंकि वर्किंग कैपिटल सबका सख हो गया था, ठीक, पहले, अब वो वर्किंग कैपिटल में दुगना वो प्ले कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब इससे एक आम आदमी को तो फायदा नहीं पहुंचा। आम सस्ती कॉटन होगी, सस्ता यान होगा, सस्ता कपड़ा होगा, सस्ती टेक्सटाइल की मसनूआत ज़ैनब मार्केट में, चेज में, दूसरे स्टोर्स पे मिलेगी। रिटेल स्टोर्स में आज भी उतनी प्राइसेस हैं। अगर हम कंपेयर खातिर खा कोई इस पे गवर्नमेंट को कोई ऐसा स्टेटस नहीं लेना चाहिए कि ये वो रेगुलेट कर सके। देखिए आप रेगुलेशन, आप गवर्नमेंट के साथ क्योंकि आप एडवाइजर हैं गवर्नमेंट को, तो आपको क्या ये सजेशंस नहीं देने चाहिए कि इनके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक पॉलिसी आ जाए कि भाई जब प्राइसेस बढ़ गई थी प्राइसेस बढ़ गई। देखिए मैं आपको इसका जवाब देता हूँ जो आपके आखिरी सवाल को भी कवर करेगा, जिसमें आपने गवर्नमेंट के मेजर्स की बात की। जी बिल्कुल, प्लीज। हमारी हुकूमत की पॉलिसी है फ्री मार्केट मैकेनिज्म, ठीक है। हमारी पॉलिसी ये कहती है कि डिमांड एंड सप्लाई खुद प्राइसेस को फिक्स करेंगे मार्केट। बिल्कुल सही। डिमांड ज्यादा है प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम है मंदी है प्राइस कम होगी। इस बुनियाद पे ऊपर ना हमने कॉटन की एक्सपोर्ट पे कोई बैन लगाया है, ना यान की एक्सपोर्ट पे कोई बैन लगाया है और ना इंपोर्ट पे कोई बैन लगाया है। हम कॉटन भी जितना चाहे मंगा सकते हैं बगैर ड्यूटी के, यान भी जितना चाहे मंगा सकते हैं बगैर ड्यूटी के। लिहाजा इस फ्री मार्केट मैकेनिज्म पॉलिसी के ऊपर हम पाबंद हैं। हम ये नहीं चाहते कि इसमें इंटरफेरेंस करें क्योंकि इसके ज़्यादातर नुकसान आए। बीच में हमने यान के एक्सपोर्ट पे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, आपको याद होगी, और उसकी वजह से वैल्यूएटेड सेक्टर को तो मिल गया था, लेकिन इससे हमारा जो एक नेचुरल रिकोर्स है जिससे वो चलता है मार्केट, उसको बड़ा डिस्टॉर्ट किया था हमने। तो फिर हुकूमत ने फौरन रियलाइज़ ये किया और बाद में वो बैन हटा भी दिया था कि हम इंडिया की तरह इंटरफेयर नहीं करेंगे मार्केट में। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताएं, देखें जैसे हम, मैं अगर एक छोटा सा कंपैरिजन करूं रिटेल सेक्टर में लॉन के जोड़ों का, आपको पता है कि ये हॉट केक्स की तरह बिक जाते हैं। लास्ट ईयर इनकी प्राइसेस रेंज कर रही थी 3.5 से 4.5 हज़ार, आज जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 5,000 से लेकर 7,000 तक जा रही है। तो आप नहीं समझते कि ये एग्जॉर्बिटेंट प्रॉफिट्स की तरफ ये लोग जा रहे हैं विज अ वेज एक आम आदमी जो है इस चीज़ को, जो लॉन का जोड़ा आज से कुछ साल पहले 400-500 रुपए का मिलता था वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा। यानी इतनी हम ब्रांड को उसमें लग गए हैं या इतनी एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस बढ़ा दी, हम एडवर्टाइजमेंट में जो है वो 4-5 करोड़ रुपए खर्च कर दे रहे हैं। तो अगर यही एडवर्टाइजमेंट्स हम दूसरे तरीके से करें तो ये 5 करोड़ रुपए की जो हम एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करते हैं तो वो हम 5 करोड़ रुपए की प्राइस कम कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट। लेकिन पहली चीज़ तो है कि एब्जॉर्बेंट डिमांड भी आ गई है, यकीनन आ गई है, इस वजह से कीमतें ऊपर चली गई हैं। आज डिमांड नहीं हो या आधी कीमत पे बेचें, पहली चीज़, ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि अब आस्ते आस्ते लोग ब्रांड्स की तरफ जा रहे हैं, सिग्नेचर्स की तरफ जा रहे हैं,
जब सिग्नेचर्स लॉन्चिंग होती हैं उनका एक अपना पेरिफेरेनालिया होता है, ठीक है, मार्केटिंग के एक्सपेंस, लॉन्चिंग के एक्सपेंस, मॉडल के एक्सपेंस, पैनाफ्लेक्सेस, टीवी एड, आपके इस जो प्रोग्राम्स में एड चलते हैं उसकी कॉस्ट बिल्डअप होती है, लेकिन एक नया ट्रेंड है ये बड़े शहरों में कम से कम, सही, लेकिन छोटे शहरों में अब भी लोन लोग जो हैं वो लोकल बने हुए लोन सस्ते जो होते हैं वो ले रहे हैं। और ये जो 18 करोड़ आवाम के लिए ये जो आप कीमतें बतला रहे हैं 5,000 वाली नहीं है, ये एक नीश है जो अफोर्ड कर सकती है, अपर मिडिल क्लास उसके लिए है, और उसके लिए ब्रांड्स लॉन्च किए गए हैं, और क्योंकि डिमांड है प्रोग्रेस है इसलिए उसकी कीमतें बढ़ाई गई। मैं दो लास्ट क्वेश्चंस आपसे करूंगा, एक तो ये कि टेक्सटाइल सेक्टर का हमारे पाकिस्तान के टैक्स में क्या कंट्रीब्यूशन है, और आप समझते हैं कि वो जो एक्सपोर्ट पे 1% टैक्स देते हैं वो सफिशिएंट है, या उनका नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है इन द फॉर्म ऑफ कि वो हमसे सेल्स टैक्स का रिफंड भी ले लेते हैं, वो R&D की मद में भी पैसा ले लेते हैं गवर्नमेंट से, और वो रिबेट्स भी ले लेते हैं। ये चुपता हुआ सवाल है, मैं चाहूँगा आप इसमें रोशनी डालें। आपका अच्छा सवाल है। पहली चीज़ तो R&D ख़त्म हो गई तो ड्रॉप इट, ठीक। अच्छा, उसके बाद आपने सेल टैक्स का जो कहा, रिफंड्स की बात, सेल टैक्स टेक्सटाइल सेक्टर पे जो इंडस्ट्रियाँ रजिस्टर्ड हैं जी जी मिनटेक्स के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के साथ 99% रजिस्टर्ड हैं, जो बड़े मिल उन पर सेल टैक्स 0 रेटेड है, तो वो भी ड्रॉप। मैं बात कर रहा हूँ, लेते हैं नहीं, मैं नाम क्लेम कर, मैं बात कर रहा हूँ पैकिंग मटेरियल्स की, जो पैकिंग मटेरियल्स, पैकिंग मटेरियल बड़ा मामूली होता है, एक एवरेज के मुताबिक 2-3% पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट होती है। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट 98%, टॉकिंग अबाउट 2%, बिकॉज यू आर पेइंग ओनली 1% इनकम टैक्स ऑन योर एक्सपोर्ट, एंड व्हेन यू आर उस पे आ जाए जी, तो पहले तो ये कि सेल टैक्स इज नॉट द गेम, इस वक्त सबसे बड़ा जो R&D खत्म हो गया, अब सबसे बड़ा रिफंड हो रहा है डॉक्टर साहब, हाँ। वो सेल्स टैक्स में वो टेक्सटाइल सेक्टर को रिफंड है, इस वक्त जो हमारी इकोनॉमी या हमारे टैक्सेशन को जो हर्ट कर रही है वो चीज, वो टेक्सटाइल के रिफंड्स हैं। देखिए रिफंड्स में प्लांट एंड मशीनरी पर है, वो भी जीरो था, लेकिन अब हाँ जी हाँ सही है ना, जैसे कुछ आइटम्स हैं पैकिंग मटेरियल, यकीनन पैकिंग मटेरियल है, केमिकल्स हैं, वो रिफंड क्लेम कर रहे हैं। अब अगर कहीं पे ज़्यादा क्लेम हो जाता है या गलत हो जाता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव और सिस्टम की लैकिंग है, वो मैं यहाँ बैठ के डिफेंड नहीं कर सकूँगा, वो FBR के कोई सीनियर ऑफिसर्स आपको बतला सकेंगे। अब आप आइए उस पर जो 1% की बात, जी बिल्कुल, हमारे पास ये था कि हम एक्सपोर्ट्स को इनकरेज करते हैं, जी बिल्कुल, हमने ये डिस्कस करके ये कहा कि एक्सपोर्ट में दुनिया में कहीं टैक्स नहीं होता, सेल्स टैक्स तो कहीं नहीं है, VAT वगैरह देते हैं, वो भी एयरपोर्ट पे वापस जब आ रहे होते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लिहाजा हमने एक फार्मूला ये बनाया था, और अब से नहीं है, पिछली हुकूमतों से यकीनन हमेशा से, जो भी एक्सपोर्ट की प्रोसीड्स आएंगी उसमें विदहोल्डिंग टैक्स 1%, कुछ आइटम पे 1.5% भी है अब तो, 1% फ्लैट है जी, और बाकी जो आपकी है वो कोई उस पर टैक्स नहीं है, ठीक, उससे एक्सपोर्टर्स दे फील फ्री, क्योंकि वो असेसमेंट और ये और वो उसमें नहीं पढ़ना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने उसको ऑप्ट किया कि हम 80% से ज़्यादा एक्सपोर्ट अगर है जी जी तो वही एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट में जी आता जी, बिल्कुल, है, बिल्कुल, 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 वो एक्सपोर्ट करके विद होल्डिंग टैक्स एट सोर्स डिडक्शन करा के और वो उसको उनका ले लेते हैं। बीच में ये निकला था कि ये ख़त्म करें असमित में जाएं, वो एक्सपोर्टर्स को नहीं कबूल था, एक्सपोर्टर नहीं, हम टैक्स देना चाहते हैं, इसमें जो टैक्स दिया जा रहा है इसमें वो कंपनियां भी दे रही हैं जो एंड में लॉस कर रही हैं, और वो कंपनियां भी दे रही हैं जो प्रॉफिट कर रही हैं, ये एट सोर्स पे प्रोसीड रियलाइजेशन पे कटता है जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसका प्रोसीजर से कोई एतराज़ तो नहीं है। तो इस पे बाकायदा एप्टमा और हुकूमत बैठ के इत्तेफाक हुआ कि जी हमारी जान छोड़ दें, एट सोर्स डिडक्ट कर लें, प्रॉफिट में हमें लॉस में भी है तो आप हमसे इसको डिडक्ट कर नहीं, अगर प्रॉफिट एक्सॉर्बिटेंट है तो भी 1%, और अगर लॉस है तो भी 1%, तो क्या ये जस्टिफाइड है? ये तो स्कीम एक है, आप एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट करना चाहते हैं। हम जब बात करते हैं कि हमारा टैक्स टू GDP रेशियो बहुत कम है, हमें टैक्स को ब्रॉड बेस करना है, हमें टैक्स रेवेन्यूज को बढ़ाना है, तो डू यू थिंक दैट, आई मीन आई एम बीइंग वेरी पेसिमिस्टिक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, योर बैकग्राउंड इज सच दैट कंपेलिंग यू टू आस्क दिस क्वेश्चन, बट लेट मी एक्सप्लेन यू के टेक्सटाइल सेक्टर को जब आप बात करते हैं उसका कंट्रीब्यूशन नेशनल इकोनॉमी जो आपको मेन सवाल जी बिल्कुल, माफ़ कीजिएगा मेरे दोस्त, सिर्फ रेवेन्यू पे या टैक्स पे आप सुई नहीं अटकनी चाहिए, एब्सोल्युटली देयर आर सर्टेन सेक्टर्स वो इन चीज़ों से अलावा उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, 40% जॉब इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर,
55% एक्सपोर्ट्स, टोटल एक्सपोर्ट्स का 55% एक्सपोर्ट्स लोगों को जॉब मुलाजमतें दें ना, ओवर एंड अबव जीडीपी पे 9-10% और टैक्स का जो भी कंट्रीब्यूशन है। तो कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं कमाऊपूत जिनको कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, उसमें अगर एक सेगमेंट में उनका कम कंट्रीब्यूशन लेकिन दूसरे सेगमेंट्स में बहुत वाजे और बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है तो उसको भी हमें देखना चाहिए। डॉक्टर साहब लास्ट क्वेश्चन, मुझे ये बताइए कि आज हमने अखबारात में पढ़ा कि इंडिया ने जो है अपने कॉटन यार्न और रॉ कॉटन की एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया, पाकिस्तान को ये कैसे इफेक्ट कर सकती है और क्या सिमिलर सॉर्ट ऑफ एक्शन पाकिस्तान को लेना चाहिए? आप बीइंग एन एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, क्या आप सजेस्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब को? देखिए, फिर मैंने कहा कि हमारी बदकिस्मती या खुश किस्मती से पॉलिसी है ओपन मार्केट, बिल्कुल ठीक, यानी इंपोर्ट भी जो कर लो ठीक, कॉटन यार्न या कॉटन, और एक्सपोर्ट भी जो करना कर दो, बिल्कुल सही है ना। और अल्लाह का फजल, इस बार हमारी सरप्लस क्रॉप है तो हमें कोई फिक्र भी नहीं है कि शॉर्ट है, ठीक, 14 मिलियन बेल की आ चुकी है आवाज, बिल्कुल सही, 15 मिलियन की तरफ हम जा रहे हैं, वंडरफुल। इंडिया ने जो लगाया है ये लोकल इंडस्ट्री या वैल्यू एडेड सेक्टर के प्रेशर में लगाया है, इंडिया हमेशा से इंटरफेयर करता आया है फ्री मार्केट मैकेनिज्म में, ठीक है। लास्ट टाइम भी हमारी 10 लाख गाठें बुक थी, उसने बैंड लगाया, उसकी वजह से 2-3 लाख गाठें आने के बाद हमारी कॉटन आई नहीं। इस बार मेरे अपने मिल की बहुत बड़ी कॉटन ऑलसी भी खुली हुई है और वो शिप नहीं कर रहा है। मैंने अभी शाहिद मलिक साहब से बात की थी आते वक्त आपके यहाँ, और इससे पहले मैं टीवी के प्रोग्राम में गया था, उसके तबसुस से मैंने सरस अग्रवाल को भी कहा है कि ये हमारे बायर्स को, स्पिनर्स को शेकी कर देते हैं, आप कम से कम वो जो सौदे हुए हैं उनको तो आप न्यूट्रलाइज कराएँ, यानी उनको एग्जीक्यूट करवाएँ। लेकिन ये इंडिया की पॉलिसी है, मैं नहीं समझता कि इस वेल थॉट अप पॉलिसी है, क्योंकि दुनिया में जो कॉटन की कीमत उनको मिल रही थी वो लोकल वहाँ के कॉटन के जो ट्रेडर्स हैं वो नहीं मिलेगी, और वो लोग रोड पे निकल आए। व्यूअर्स, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रहा है लेकिन हमारे पास टाइम लिमिटेशन आ गई है। हमने डॉक्टर साहब से टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में बात की आज कि क्या चैलेंजेस हैं, कितना पोटेंशियल है टेक्सटाइल का पाकिस्तान की इकोनॉमी में। डॉक्टर साहब ने बड़ा राइटली बताया कि ये हमारी बैकबोन है, हमें अपनी बैकबोन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, हमें दिन ब दिन इसको जो सपोर्ट दे सकते हैं हम वो हमें देना चाहिए ताकि हमारी इकोनॉमी ग्रो करे, क्योंकि अगर आज हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एक आम आदमी पे पड़ेगा, वो भी दिन ब दिन खुशहाली की तरफ जाएगा। हमें ज़रूर स्टेप्स लेने चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को इस पर ज़रूर सोचना होगा कि हमारे जो मसाइल हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने बड़े राइटली हाईलाइट किया कि हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है, इस पर वर्क करना होगा। हमारे पास एनर्जी क्राइसिस हैं जिसको हम ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी से पूरा कर सकते हैं, उस पर हमें आज से काम करना होगा ताकि हम कुछ सालों के अंदर इसमें सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। हमें अपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान को एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बनाना है, और हमारा एक्सपोर्ट जो है आज पिछले साल जैसे 25 बिलियन था, और अगर हमें अपने इस एक्सपोर्ट को दुगना या तिगना करना है तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी होगा। इन इश्यूज़ को हमें हाईलाइट करना होगा। हमें डॉक्टर साहब से भी इस प्रोग्राम के तवसुत से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट को ज़रूर इन इश्यूज़ को तरफ रोशनी दिलाएं, यकीनन उन्होंने ज़रूर कहा भी होगा और वो इस पर काम भी कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। 24/7 ऑनलाइन के से ज़ीशान को इजाज़त दीजिए। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, खुदा हाफिज़।